मैम साहब, मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कल टाइम पे आ जाना। हाँ जी ठीक है। रात में भी लोगों को चैन नहीं है। हेलो, कौन? हाँ हाँ सुंदर बोलो। नहीं नहीं बोलो, क्या हुआ? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। नहीं, वो तुम्हारी आवाज से ऐसे लग रहा है, क्या हुआ? क्या अक्षत का खून हो गया? कब, कैसे? ओह गॉड। अच्छा अच्छा तुम, अच्छा एक मिनट होल्ड करना, मैं अभी अभी रमन को बताती हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। रमन दरवाजा खोलो। मुझे माफ करो, मैं अकेले छोड़ दो मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। रमन छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रमन दरवाजा खोलो। ओपन द डोर रमन। सुषमा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम फौरन CID को फोन लगाओ। CID? क्यों? मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे जान से मारना चाहता है। देखो, और मुझे लग रहा है कि वो अभी यहीं पे, तुम फोन तो लगाओ प्लीज, जल्दी करो। रमन जी। जी क्या हुआ, किसने मारा आपको? पता नहीं ACP साहब, लेकिन प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे तो पता ही नहीं है कौन था वो। आपने देखा तो होगा ना उसे? नहीं सर, चेहरा तो दिखाई नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि। पर मारा क्यों सर? क्या मालूम क्यों मारा। कोई तो कारण होगा ना, किसी ने जो अचानक हमला कर दिया, कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरी तो किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ। आप कहाँ थे जब ये हमला हुआ? जी मैं अपने कमरे में था कि अचानक पीछे से किसी ने हमला किया, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मुझ पे चाकू से ये वार किया यहाँ पे। सुषमा जी, जब रमन पर हमला हुआ तब आप कहाँ थी? मैं तो ऊपर अपने बेडरूम में थी, लेकिन जब मैं नीचे रमन को बुलाने आई तो कमरा अंदर से बंद था। कमरा अंदर से बंद था, जरा दिखाइए वो कमरा। हाँ आइए। रूम की हालत देख के तो लगता है कि यहाँ पे काफी हाथापाई हुई सर। देखो जरा, हमला करने वाले ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है क्या? अच्छी तरह से देखो। हमला करने वाला घर के अंदर खिड़की से आया। खिड़की से घर के अंदर आया और भाग गया भी खिड़की से, या सुषमा जी आप जब इस कमरे के अंदर आई तब रमन कहां पर था एग्जैक्टली? वो यहीं पर पड़ा हुआ था सर, खून में लथपथ। यहां पर सर किस तरफ था? इस तरफ।
सर इस तरफ, मुंह के बल या पीठ के बल? पीठ के बल था सर। पीठ के बल मतलब ये ऐसे गिरा हुआ था? जी सर। ये किताब यहीं पड़ा हुआ था? हाँ सर। सर शायद इस किताब की वजह से ही वो बच गए, चाकू इसी में घुसा होगा सर। सर अगर ये किताब नहीं होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। सर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसने उस पर चाकू ऐसे ऐसे मारा और मैंने ये किताब यहाँ पर रख लिया ऐसे। हाँ, ये चाकू तो किताब के आर पार घुसा है, कम से कम 5-6 इंच का तो होगा। सर इस किताब पे लगे इस निशान को देख के तो लगता है कि ये चाकू नोकीले दांत वाला था सर, कोई स्पेशल चाकू। रेडी, इस किताब को फॉरेंसिक लैब भेज दो। और सचिन ताशा, घर के बाहर जाके पता करो, देखो ये जो निशान घर के अंदर आए हैं वो कहां से आए। सर अच्छा हुआ कल रात को बारिश आ गई, नहीं तो ये कीचड़ उस कुनी के पैर पर लगता ही नहीं। ये देखो, ये जो कोई भी है जिसने रमन को मारने की कोशिश की वो कोई लंबा चौड़ा आदमी लगता है। जूतों के निशान तो काफी बड़े हैं। ये देखो, देखने से लगता है कि काफी बड़े पैर हैं उसके। और ये देखो, यहां से उसके जूतों के निशान नहीं, इसका मतलब यह है कि वो घास पे से चल के आया है। आश्चर्य की बात है कि वो खूनी यहाँ घास पे से क्यों आया, वहां किनारे किनारे लॉन से भी तो आ सकता था। अगर कोई आदमी चोरी छुपे आता है तो वो छिप छिप के आएगा, इस तरह खुलेआम तो नहीं आएगा। और अगर बारिश हुई है तो खिड़की क्यों खुली थी, खूनी आसानी से अंदर घुस गया। ये कौन है? सुषमा। हाँ हाँ, नहीं मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ ओके। तुम ठीक तो हो ना सुषमा? मैं तो ठीक हूँ। रमन का, रमन ठीक तो है? रमन भी ठीक है सुंदर। सुंदर, रमन को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। क्या? इसलिए मैंने सीआईडी ऑफिसर्स को यहीं बुला लिया। पर वो है कौन जो रमन को मारना चाहता है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है जो रमन को मारना चाहता है। वैसे आपकी तारीफ? मैं रमन का बिजनेस पार्टनर हूं सुंदर। रमन का बिजनेस पार्टनर सुंदर? सुंदर साहब आपको कैसे पता चला कि रमन पर हमला हुआ है? मैंने कल रात को सुषमा को फोन किया था, फोन पे ही सुषमा के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। आपने सुषमा को फोन क्यों किया था? हमारा तीसरा पार्टनर है अक्षत, उसका खून हो गया था, यही बताने के लिए फोन किया था। तुम्हारे तीसरे पार्टनर अक्षत का खून हो गया? हाँ सर। एक पार्टनर का खून हो गया सर और दूसरे पार्टनर पे हमला, ये क्या चक्कर है? तो बताइए सुंदर साहब, आपके एक पार्टनर का खून होता है दूसरे पर हमला, ये आप ही के पार्टनर के साथ क्यों? क्या मतलब? मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? ये बातचीत के बीच में जूता कहां से आ गया? तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? नहीं मालूम। निकालो। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम निकालते हो या मैं निकालू? जूते का नंबर 10 है सर। तो क्या हुआ? ये 10 नंबर के जूते पहनने वाला आदमी आया था रमन को मारने के लिए। 3 पार्टनर्स में से एक का खून, दूसरे पे हमला, अब बचा कौन?
सुंदर साहब, तुम, तुम्हारे दोनों पार्टनर्स की मौत के बाद कंपनी और सारा पैसा तुम्हें ही मिलेगा, है ना? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं भला अपने पार्टनर्स को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? कल रात 11 बजे कहां थे तुम? देखिए, आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। जो पूछा उसका जवाब दो। मैं कल रात पार्टी में था, मुझे वहीं पता चला कि अक्षत का खून हो गया। मैंने रमन को फोन लगाया, उसका फोन नहीं लगा, तो मैंने फौरन सुषमा को फोन किया। तुम्हें तो वैसे पता चल ही गया था, तुमने सुषमा की चीखने की आवाज सुनी थी, हाँ? तो तुम उसी वक्त यहाँ पे क्यों नहीं आए? वो मैं नशे में था, मैंने सोचा कि सुबह जाना ही बेहतर होगा नशा उतरने के बाद। कहानी अच्छी बनाई है। आप चाहें तो सुषमा का मोबाइल चेक कर सकते हैं, मैंने लैंडलाइन से फोन किया था। मोबाइल देना। इसने तो पूरा इंतजाम कर लिया अपने आप को बचाने का। आपने ने अपने मोबाइल से क्यों नहीं किया फोन? मोबाइल की बैटरी डाउन थी, इसीलिए लैंडलाइन से फोन किया था। बैटरी डाउन हो गई थी। सर, एक ही लैंडलाइन का नंबर है इसके रिसीव कॉल्स में, जो कल रात 11 बजे को आया था। पार्टी कहां पर थी तुम्हारी? आईसीआईस होटल में। आईसीआईस होटल में। दया, पता करो ये नंबर कहां का है। नहीं सर, फोन लग नहीं रहा। तो तुम दोनों के अलावा और कौन कौन काम करता है यहाँ पे? कोई नहीं साहब, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, बर्तन वगैरह। और तुम? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ साहब। तो कल रात जब रमन पर हमला हुआ तब तुम दोनों यहाँ पर नहीं थे? मैडम, मैं तो यहीं पे था, बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तुमने यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं सुना? नहीं साहब। सो रहे थे तुम? जी, वो बीच बीच में थोड़ी झपकी आ जाती है, नहीं तो साहब मैं हमेशा आँख खुली रखता हूँ। मतलब आँख खोल कर सोते रहते हो तुम यहाँ पे? और तुम, तुमने किसी को भागते हुए नहीं देखा यहाँ से? मैंने देखा था एक आदमी को भागते हुए। देखा था? हाँ, शाम को देखा था, लेकिन मैं ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है इन सब बातों से। देखो, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ, किसे देखा तुमने? शाम को जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा एक आदमी खिड़की से अंदर की तरफ झांक रहा है। तो तुमने हल्ला नहीं मचाया? मैंने कहा ना, मुझे बहुत डर लगता है। एक काम करिए, अब हमारे साथ चलिए। लेकिन साहब, मैंने किया क्या है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। काशा, एसीबी सर के पास चलिए। आप ये रुकिए। जी सर। आइए सर। सर, इनका कहना है कि इन्होंने कल रात को किसी को देखा था खिड़की से झांकते हुए। खिड़की से झांकते हुए देखा तुमने किसी को? हाँ साहब। कौन था वो? कोई पहचान वाला था या अनजान? साहब, अंधेरा बहुत था, उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कितने बजे की बात है? यही 8:30 बजे की बात है, जब मैं घर जा रही थी। कहाँ कहाँ देखा था तुमने इसे? रमन साहब के कमरे के बाहर खिड़की के पास खड़ा था वो। रमन साहब के कमरे की खिड़की के पास? ओहो, तो दया, इसका मतलब है वो जो भी कोई था वो इस घर के बारे में अच्छी तरह से जानता है, और यहां तक कि रमन साहब किस कमरे में रहते हैं, है ना? तो बताओ, कैसे दिखता था वो? कैसे दिखता था साहब? एकदम इस सांप के जैसा दिखता था। ओह, सुंदर जी, सुना आपने? हाँ, जरा ध्यान से देखिए ने, कहीं यही तो नहीं थे वो? हाँ साहब, कह नहीं सकती, वो एक जैकेट पहना हुआ था और सर पर एक हैट भी, और कुछ, और गले में कुछ चमकीला चमकीला सा दिखाई दे रहा था। गले में कुछ चमकीला चमकीला? हाँ साहब, मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च है, वो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, आते जाते वक्त रास्ते में काम आती है। वो टॉर्च मैंने उसकी तरफ जलाया तो गले में कुछ चमकीला सा दिखाई दिया। माल, उसने गले में कुछ पहना हुआ था ये मालूम है, जैकेट कैसे पहनी थी ये भी मालूम है, टोपी पहन रखी थी ये भी मालूम है, मगर वो आदमी कौन था ये नहीं मालूम।
कुछ गड़बड़ है, है? तुमको छुपा रही हो क्या? कहीं तुम भी मिली हुई तो नहीं हो रमन पे हमला करने में? है? माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो देखा वही मैं बोल रही हूँ, और आप मुझे ही फंसा रहे हैं। कोई फंसा नहीं रहा तुम्हें, समझे? गले पर टॉर्च मार सकती हो, चेहरे पर क्यों नहीं मारा? और जब मैंने पूछा तब कह रही थी मैंने चेहरा उसका नहीं देखा इसलिए कि बाहर अंधेरा था। झूठ बोल रही हो तुम। दया, इस नौकरानी पर नजर रखो, तब तक देखते हैं अक्षत के घर क्या मिलता है। माय गॉड, घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है काफी हाथापाई हुई है। सर, अक्षत ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की होगी। सर, यहाँ पे भी जूते का निशान 10 नंबर का लग रहा है। लगता है दोनों जगह पे एक ही आदमी आया है। संकेत, एक बात बता, इस अक्षत की मौत करीब कितने बजे हुई होगी? करीब 7 बजे। ठीक है, थैंक्स। ओके, पंकज कहता है कि अक्षत की मौत करीब 7 बजे हुई होगी, और उस मेड सर्वेंट ने उस आदमी को खिड़की के बाहर कितने बजे देखा? सर, 8 बजे। 8 बजे। वैसे ये अक्षत का घर रमन के घर से कितनी दूरी पर है? सर, रमन के घर आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। सर। हाँ फ्रेडी। पता चल गया सर, सुषमा के मोबाइल पे सुंदर ने जिस लैंडलाइन से फोन किया था वो ICICI होटल का ही है। ICICI होटल का? हाँ सर। और ये होटल है कहाँ पर? रमन के घर के पास। होटल रमन के घर के पास में ही है? तब तो सर सुंदर रमन के घर जाकर होटल वापस आ सकता था। सर, हाँ। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ सुंदर ने किया है प्लान करके। सर, हो सकता है। ऑफिसर। यस सर। अक्षत की लाश के फोटोग्राफ्स हैं तुम्हारे पास? हाँ सर है, हमारे पास कैमरा है जिसमें सारी क्राइम फोटोग्राफ्स हैं। गुड। सर, चाकू सीधे दिल पे मारा सर, बचने का कोई चांस नहीं है, एकदम मर गया होगा आदमी। देख, एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड्स में जितनी भी राका की फाइलें हैं सब लेकर आओ। राका? वो खतरनाक मुजरिम जिसे खून करने के लिए जेल हुई वो? हाँ दया, वही, उसी के जैसा तरीका है मारने का। हाँ सुषमा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा ले। अरे कुछ जरूरी काम आ गया। ठीक है बाबा, लेता हूँ, बाय। ये सर। अब सोहन, वहाँ ड्रॉर में एक फाइल रखी होगी लाल रंग की, डोटालीज इंडस्ट्रीज लिखा होगा, जल्दी निकालो। गया, कल तो यही रखा था। आ, आ! क्या हुआ सोहन, क्या हुआ? लाश, मेरे ऑफिस में लाश। देखो सर, देखो किसकी लाश है, जाओ देखो। देखो शेखर, ये तो शेखर है, इसे किसने मार दिया? लगता है वो यहाँ भी आ गया, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या करूं सर? अक्षत के घर से ये रमन के घर तक 10 किलोमीटर सर, और 10 किलोमीटर ज्यादा नहीं है अगर उसने मन में ठान ली हो कि मुझे खून करना ही है। अक्षत का खून करने के बाद सुंदर रमन के घर में 30-40 मिनट में पहुंच सकता था, वहां पे उसे मेड ने भी देखा है, और मेड ने उसे खिड़की के बाहर 8:30 बजे देखा था, और रमन पर हमला हुआ 11 बजे। तो फिर अभिजीत, 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये सुंदर कर क्या रहा होगा? कहां चुप कर बैठा होगा वो? सर, ये हो सकता है कि मेड ने सुंदर को ही देखा हो, और जब सुंदर ने मेड को देखा वो वहां से भाग गया, और फिर जब मेड वहां से चली गई तो वो दोबारा आया 11 बजे हमला करने के लिए। हम अगर 11 बजे ही क्यों? 11 बजे ही क्यों?
सर 11 बजे ही मौका मिला होगा, और जब हमले में रमन की जान बच गई तो ये सुंदर सीधा भागा आईसीआई होटल की तरफ, और वहां से इसने सुषमा को फोन कर दिया। एक गवाह भी बना लिया अपना, ताकि लोगों को लगे कि सुंदर तो उस वक्त आईसीआई होटल में था जब रमन पे हमला हुआ। एक मिनट, ये आईसीआई होटल रमन के घर से काफी करीब है ना? हाँ सर। तो अगर सुंदर रमन पर हमला करके आईसीआईसी होटल तक भागा तो उसे 10-12 मिनट लगे होंगे। वहां से उसने सुषमा को फोन किया। अब सुषमा के कहने के मुताबिक उसी वक्त रमन पर हमला हो रहा था, क्योंकि रमन के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो फिर और कौन हो सकता है सर? सर राका को किसी केस में 14 साल की सजा हुई थी सर, और अभी 6 महीने पहले वो छूट के आया है सर। ये देखिए, राका जब भी खून करता है ऐसे ही छाती में चाकू गाड़ के दिल पंचर कर देता है। अक्षत का खून बिल्कुल ऐसे ही हुआ है सर, और अभी मेड सर्वेंट ने उस हमलावर के गले में लॉकेट देखा था। राका भी लॉकेट पहनता है गले में, और ये कपड़े बिल्कुल वैसे ही है। रमन का फोन। रमन? हाँ रमन, क्या क्या कह रहे हो? ठीक है, रमन के ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ रमन जी, कहां पर है लाश? आइए सर, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए। ये देखिए सर, यहां कैबिनेट में। सचिन, बॉडी बाहर निकाल। संभल के। संभल के। सर घाव सीने के बीचों बीच लगा है सर। खून करने का तरीका बिल्कुल राका जैसा है। सर ये वही है जिसने मुझ पे हमला किया था, वो जरूर मुझे ही मारने आया होगा। रमन, अगर तुम्हें मारने आया था तो फिर शेखर को क्यों मारा? ताशा, यस। यहाँ पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ, कहीं ना कहीं तो वो फिंगरप्रिंट छोड़कर गया ही होगा। यस। सचिन, दया अभिजीत को कहो कि खबरियों से पता लगाए इस राका के बारे में जल्दी से जल्दी। रमन, पिछले 2 दिनों में मतलब आज और कल तुम्हारे कैबिन में कौन कौन आया था, जरा ठीक से याद करके बताओ। सर कल तो कोई नहीं आया था, और आज भी मैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे आया। एक फाइल की जरूरत थी तो सोहन को अपने कैबिन में बुलाया, उसने ये कैबिनेट खोला तो ये लाश। कौन सी फाइल चाहिए थी तुम्हें? लोटाली इंडस्ट्रीज से। क्यों, किस लिए चाहिए थी ये फाइल? उनका टेंडर आया है, आज ही जवाब देना है। फिर सर ये फाइल अचानक इस टेबल पर से गायब हो गई, मिल ही नहीं रही है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि राका ने ये फाइल गायब क्यों होगी? आप सब लोग इस आदमी को ध्यान से देखिए, क्या कभी आपने इसे यहां देखा है? हेलो सचिन, रमन तुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। सीआईडी से मदद मांग के तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। पता करो कौन सा नंबर है, कहां से आया है। 189-7283। एक मिनट सर, क्या नंबर बोला आपने? 189-7283। ये तो हमारे ऑफिस का ही नंबर है, और सुंदर सर के केबिन का। चलो दिखाओ सुंदर साहब की केबिन। जल्दी वहां पर सर, वो जाओ। सचिन गन निकाल, सराका की ऐसी की तैसी। लगता है भाग गया। मैं देखता हूँ सर, जल्दी सर। सर अब तो आप लोगों के सामने धमकी भी दे दी, हिम्मत देखी आपने उसकी? वही सोच रहा हूं, इतनी हिम्मत हुई कैसे? मौत सामने खड़ी है,
खून करके सीआईडी को चैलेंज कर रहा है, अभी देखते हैं उसे। सर, सर लड़का बार बार बच गया सर, हाथ से निकल गया, पता नहीं किस रास्ते भाग गया सर। भाग कर जाएगा कहाँ, पहले सुंदर को ढूंढते हैं। नहीं सर, काफी कोशिश कर ली, इस सुंदर का फोन लग ही नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सुंदर के बारे में, कुछ छुपा हुआ है इसके पेट में जो इतनी आसानी से उगलने वाला नहीं है। छुप कर बैठेगा कब तक, कभी ना कभी तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा। फोन बंद करके क्या बच सकता है वो हमसे? सर राका का पता चल गया सर। पता चल गया, कहां पर है वो? वो हर शाम वो अप्सरा बार के आसपास घूमता रहता है। अप्सरा बार? ये मैनेजर जी। भाई साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो रोज के ग्राहक हैं, बस आते होगा अभी। देखिए ना कस्टमर थोड़ा ज्यादा है ना। एक्सक्यूज मी। ठीक है। हाँ भाई साहब बोलिए, टेबल चाहिए? कितने लोग हैं आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सर मेरा लाइसेंस वगैरह तो प्रॉपर है, दिखाऊं क्या? लेकर आऊं मैं? नहीं नहीं, लाइसेंस वाइसेंस छोड़ो, पहले ये देखो, इस आदमी को पहचानते हो? ओह ये सर मुझे पहले से ही मालूम था, ये आदमी गड़बड़ है। क्या तुम्हें मालूम था ये आदमी गड़बड़ है, फिर भी तुमने सीआईडी को नहीं बताया? सर मैंने सोचा कि काय को पचड़े में पड़ने का, अगर है तो अपना कस्टमर ना। मालूम है कौन है ये? एक खतरनाक खूनी है, रोज आता है यहाँ पे। हाँ साहब आता तो रोज है, और सर जब भी आता है किसी न किसी से झगड़ा करता है। रोज लड़ाई झगड़ा करता है, फिर भी तुमने किसी को बताया नहीं? ये अकेला आता है या इसके साथ में कोई और भी है? हाँ सर ज्यादातर तो अकेला आता है, लेकिन कभी कभार आता है इसके साथ एक आदमी। अच्छा कौन कौन है वो, पहचानते हो? नहीं सर। ये तो नहीं है सर, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यही आदमी है कि नहीं। क्यों याददाश्त क्यों टकमगा रही है? सर कभी उसका चेहरा ध्यान से देखा नहीं सर, जब भी देखा वो सर झुकाए और अपनी तरफ पीठ किए हुए बैठा हुआ था। कमाल, तुम्हारे कहने का मतलब जब भी आदमी आता है मुंह नीचा करके सबकी तरफ पीट करके आता है क्या? हैं? सर लेकिन एक बात जरूर है। हाँ बोलो, अपना मुखारबिंद खोलो, देखते हैं फूल झड़ते हैं कि कांटे। बोलो बोलो। सर वो जिस तरह के कपड़े पहनता है, शर्ट टाई वगैरह, सर ये फोटो में बिल्कुल उसी तरीके के कपड़े पहने। सर शायद सुंदर आता होगा राका से मिलने। अच्छा और कुछ जानते हो तुम इस राका के बारे में? सर वो इतनी दारू पीता है कि पूछो ही मत सर, बार बंद होने तक पीता ही रहता है, कभी कभी तो हमें उसको छोड़ के आना पड़ता है उसकी गाड़ी तक, बिल्कुल तल्ली हो जाता है सर। गाड़ी तक? कौन सी गाड़ी है उसकी? सर वो पुरानी सी काले रंग की गाड़ी है। गाड़ी का नंबर मालूम है? सर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ सर उसके पीछे वाले कांच में कुत्ते का पंजे का निशान है सर। पीछे वाले कांच में कुत्ते के पंजे का निशान? सर पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया, राका की गाड़ी यहीं पे देखी गई। कोने में छुपा के रखी है गाड़ी ताकि किसी को दिखाई ना पड़े। ये देखो कुत्ते के पंजे का निशान भी है। हाँ दया। मेरे किसान यहाँ पे मैट में खून फैला हुआ है। यहाँ पे तो बदबू नहीं, यहाँ कुछ है भी नहीं वैसे। जरा ये डिक्की का लीवर खोलो। लीवर खराब है सर।
माय गॉड सर, हाँ बदबू यहाँ से आ रही है सर। माय गॉड, सर ये तो रहता है, होता इसकी मैच कई दिन पहले। सुंदर नहीं मारा होगा सर इसे, उसको पकड़ते हैं सर। सर सुंदर मिला क्या? बहुत जल्दी मेहमान बनेगा वो हमारा, उसका कैबिन चेक करते हैं, ठीक है ना? जी। तो कैबिन का एक एक कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, देखो अच्छी तरह से। खुफिया रास्ता लगता है। खुफिया रास्ता, सीक्रेट पैसेज ऑफिस में। ये सीक्रेट पैसेज ऑफिस में क्या कर रहा है? जरा खोले से पूरा खोलो। ओहो, लेन देन हिसाब किताब। कैसा लेन देन है सर? पिछले महीने में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। 50 लाख रुपए सर? सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 5 करोड़, लगता है इसी धंधे के लिए ये खुफिया कमरा बनाया है, 2 नंबर के धंधे के लिए। सर इतने पैसे जा कहां रहे? जरूर किसी नकली अकाउंट में। नकली मतलब कंपनी के पैसों की हेरा फेरी कर रहा था, फिर सोचा होगा कि छोटी मोटी हेरा फेरी से क्या फायदा, क्यों ना पार्टनर्स को मार के कंपनी का मालिक बन जाओ। वही है, देखो इस कमरे का कोना कोना, इस कमरे की एक एक फाइल अच्छी तरह से चेक करो, कुछ तो भी मिलेगा। सर सबूत मिल गया सर, सुंदर हाजिर है। सुंदर भी गया। ये देखिए सर, चाकू सीने के बीचों बीच लगा है, उसी तरह जैसे राका मारता है सर। कमाल है, राका तो मर गया, तो फिर इसे किसने मारा? सर हाँ सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है कि राका की मौत 1 हफ्ते पहले हुई सर। क्या, 1 हफ्ते पहले? हाँ सर, अक्षत की मौत 3 दिन पहले हुई और 3 दिन पहले राका ऑलरेडी यमराज की गोद में आराम कर रहा था, तो अक्षत को किसने मारा? वही तो, ये चक्कर क्या है? जिस पर शक उसी की मौत। हाँ सर, पहले सोचा कि खून इस सुंदर ने किया होगा, पर किसी ने उसे मार दिया, फिर लगा कि राका ने खून किया होगा, तो वो भी मारा गया। कहीं दूसरा राका तो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि असली राका का खून भी वैसा ही हुआ है। ये दूसरा राका पहले राका को जानता था, लगता है सर ये वही है जो राका से मिलने आता था अप्सरा बार में। सचिन फाइल लेकर आओ जो हमें सुंदर के ऑफिस में से मिली थी। सर ये है, इस कंपनी ने पिछले साल जो प्रॉफिट किया था वो सारा का सारा पैसा 4 पार्टनर्स में बांटा गया। 4 मगर पार्टनर्स तो 3 ही थे ना सर, अक्षत, रमन और ये सुंदर।
चौथी सुषमा। सुषमा, सब पार्टनर्स की मौत के बाद सारा का सारा फायदा होता है सुषमा का। घर में कोई है भी या बाहर गए? सर, खूनी अगर घर का कोई आदमी होगा तो जरूर भाग गए होंगे। साहब, आप लोग फिर से यहाँ क्यों? नहीं आना चाहिए था। नहीं, वो इस वक्त घर पर कोई नहीं है, बाहर गए हैं साहब भी और मैम साहब भी। अच्छा, ये दोनों अलग अलग गए हैं कि साथ में गए हैं? पहले साहब गए हैं और बाद में मैम साहब। कहाँ गए हैं, कुछ बता के गए क्या? नहीं साहब, वो लोग कभी कुछ बता के नहीं जाते मुझे। एक तरफ चुपचाप खड़ी हो जाओ, घर की तलाशी ले रहे हैं। अभी घर का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से ढूंढो। सर, यहाँ तो पूरी तिजोरी है। ये देखिए, ये कपड़े बिल्कुल वैसे हैं जैसे राका के। ये देखिए, स्टाइल तो सर राका की ही है। तो फिर सर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो, राका। राका का रमन के घर से क्या संबंध है? इतने दिनों में तो सुना नहीं था उसके बारे में। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषमा हमारा ध्यान राका की तरफ मोड़ के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है? सर, अगर ऐसा है तो फिर रमन की जान को खतरा है, वो तो रमन को कभी भी मार सकती है। वो तो है ताशा, मगर ये राका बीच में कहां से आ गया? हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? वहाँ? मैं वहाँ आ जाऊँ? अरे पर वो तो बड़ी डरावनी जगह है ना, काफ़ी सुनसान सी। मैं वहाँ आ जाऊँ? देखो तुम एक काम करो ना, तुम खुद ही मेरे ऑफिस आ जाओ। हाँ, क्या है कि काम बहुत ज़्यादा है और ऑफिस से निकलना ज़रा मुश्किल है। एक मिनट, अब देखो तुम रहने दो, मैं ही आ जाता हूँ। क्या कहा तुमने, बहुत जरूरी काम है ना? ठीक है, हाँ मैं ही आ जाता हूँ, आधा घंटा लगेगा। ओके। कोई है?
गया तू। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरी मौत। क्या? पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। मैं तुझे वहीं पहुंचाने आया हूं जहां पे मैंने तेरे पार्टनर अक्षत और सुंदर को पहुंचाया है। नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। तू बच नहीं सकता। तुझे तो मैं उसी दिन मार देता मगर तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। नहीं, नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू रमन को क्या मारेगा? पहले अपनी जान बचाने की सोच। जब तक राका जिंदा है ना, रमन को कोई छू भी नहीं सकता। क्या राका जिंदा है? क्या मतलब है? मतलब ये कि रमन अपने आप को राका क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस वक्त वो अपने आप को राका ही समझ रहा है। मतलब? विश्वास रखो जल्दी समझ जाओगी। तुम राका हो तो फिर रमन कहाँ है? रमन की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। रमन ने सब बता दिया मुझे कि कौन कौन उसे परेशान करता है। रमन ने बताया? कब कब बताया तुमने? अप्सरा बार में मिला था वो मुझसे। अप्सरा बार में जब मैं उससे मिला तो बहुत डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि अरे जल्दी ला यार। ए, मेरा ड्रिंक है, क्या कर रहा है? क्यों पंगा ले रहा है यार? राका ने जिस चीज पे एक बार हाथ लगा दिया समझ जाओ राका का हो गया। दादागिरी है क्या? क्या कर लेगा तू मेरा? ए शाने, एक कान के नीचे लगा दूंगा ना, सब कुछ भूल जाएगा, समझा ना? मुझे भी इसी की तरह बनना। सब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? खाली है तो बैठना। फिर जब कभी भी वो मुझसे मिलता अपनी परेशानियों पर रोता रहता, मगर मैं उसे परेशान करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत सर की जान खतरे में, हमें कुछ करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें चाकू मार दे। नहीं ताशा, अभिजीत सर को चाकू मारने के लिए हिम्मत चाहिए जो उसमें नहीं है। वो तो सिर्फ इसे मौका दे रहे हैं। तुम रमन की मदद कर रहे हो और तुम ही ने रमन की जान लेने की कोशिश की है? क्यों? रमन के ऊपर खतरा था, खतरा। जब मैं अक्षत को मार के घर वापस आया तो नौकरानी ने मुझे देख लिया। बेवकूफ, पता नहीं कहां से आ गई थी। यहां पे रमन की जान को खतरा था और वहां घूम रही थी। उसके बाद मुझे सुंदर को भी मारना था, लेकिन उसने भी अचानक सुषमा को फोन कर दिया और तब we
मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कौन है तुम्हारे साथ? छोड़ दो। रमन दरवाजा खोलो। फिर मैंने सुषमा को कहा कि वो सीआईडी को बुला ले। तुमने फोन किया था ऑफिस में उस दिन राका की आवाज में? हाँ, आधे घंटे पहले ही मैंने वो सेट किया था। बाद में फिर से सब लोग रमन को भी परेशान करते। तो ये है तुम्हारी हकीकत। सॉरी रमन। फिर रमन, ये तुम्हें क्या हो गया रमन? तुम भी रमन को परेशान करती थी ना? ये तुम क्या बोल रहे हो रमन? जो जो रमन को तंग करता है मैं सबको मार दूंगा। उस बेचारे असिस्टेंट को भी तुमने मार दिया ना? क्यों? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, नहीं मारना चाहता था मैं उसे, लेकिन उसने, जब मैं सुंदर को मारने कैबिन पहुंचा तो। सर वो फाइल कहां पे रखी है? सर ये खून और ये चाकू? कुछ नहीं है, तुम ये सोचो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। नहीं नहीं, तुमने किसी का खून किया है। बकवास कर रहे हो? खून खून। सुषमा, रमन को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, रमन को कोई तंग नहीं करेगा, कि जो भी उसे तंग करेगा मैं उसे मार डालूंगा। देखो, रमन को कोई तंग नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा, बस रमन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम चलोगे ना डॉक्टर के पास? ले चलो इसे। चल चलो। रमन के बर्ताव से लगता है कि उसे ऐसी बीमारी हुई है जिसमें वो खुद ये नहीं जानता कि उसने किसी और की आइडेंटिटी लेकर खून किए हैं। अब सजा वो तो कोर्ट ही तय करेगी कि रमन को क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि खून तो उसने किए ही है ना।